Assalamualaikum, welcome back to urdu.com. My name is Kurat Nakhni and my course name is Essential Training Objective C. सबसे पहले लॉन्च करने के लिए एक स्कॉट कप एप्लीकेशन जहाँ की नॉर्मल होती है वहाँ जाए, आपको उसको डॉक करें क्योंकि जो है मुझे अगली बार खोलने के लिए आसानी रहे। ये आपके पास वेलकम स्क्रीन है एक स्कॉट की, जब आप उसको लॉन्च करें बाकी सबको आप बंद कर दें। आपके यानी आप इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, लेकिन मैं क्रिएट करूँगी तो मैं क्लिक करूँगी क्रिएट अ न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। जब ये ओपन ये मेरे पास स्क्रीन लॉन्च होगी। अब हमने ये मुझे पूछ रहा है कि हमने पेज बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, प्रोजेक्ट बेस्ड बनानी है, सिंगल व्यू एप्लीकेशन बनानी है, टैब एप्लीकेशन बनानी है, यूटिलिटी एप्लीकेशन बनानी है, एमटी एप्लीकेशन बनानी है, जो हमारी जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन बनानी है। तो मैं सिंपल जो है जाके OS 10 के अंडर जाके नहीं, ये सिर्फ आपने चेक करने के लिए जब आईपैड आईफोन की करेंगे तो उसके लिए मैं सिर्फ OS 10 के अंदर जाके से कमांड लाइन टूल को यूज़ करूँगी। जैसे मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है डिफरेंट, हम iOS 10 के अंदर एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे, OS 10 के एप्लीकेशन टैब पे जाएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जो है कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है नो यूज़र ग्राफिक इंटरफेस, क्योंकि हमें अभी बटन्स के लिंक से कुछ नहीं लेना देना, ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें वो हमें कुछ कंसर्न नहीं है, बटन्स कैसे दिखे ये वो, हम क्योंकि हमारा मेन फोकस ऑब्जेक्टिव सी को सीखना है तो हम कमांड लाइन टूल को यूज़ करेंगे। हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद वो आपके पास नेक्स्ट विजन ओपन हो जाएगा। इसमें उसका नेम देंगे, उसका कंपनी नेम देंगे, कंपनी नेम क्या है, कोई अपनी कंपनी हो सकती है, प्रोडक्ट नेम मैं दे देती हूँ माई फर्स्ट ऐप, आप कोई भी इसका दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे helper.ee है, कॉम डॉट, जैसे मेरे पास कंपनी नेम ऑर्गेनाइजेशन adnan.com है और कंपनी आइडेंटिफाई देना तो com.adnan.com आ जाएगा, यानी उसी को अपोजिट कर देगा। तो ये हमारे पास यानी कि हमारी ऐप यूनिक रहे ऐप स्टोर में, तो हमें इसको आइडेंटिफाई बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप इसको अपना नहीं है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप अपना नाम दे दें, आप उसी को रिवर्स करेंगे तो कंपनी आइडेंटिफायर बन जाएगा। इसका मेन पर्पज़ सिर्फ ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी और के साथ रिजेंबल ना हो, उसका आइडेंटिफाई यूनिक ना हो, तो ये मैच ना हो सके, तो मेन पर्पज़ हमारा ये है। आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, यानी आपने सिर्फ इसको रिवर्स करना, जैसे adnan.com मतलब com.adnan.com, तो ये आपकी कंपनी आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो आप कुछ यानी इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका बंडल आइडेंटिफायर देख रहे हैं, वो जो है आपके यूनिक आइडेंटिफायर ग्रे में जो आ रहा है वो यूनिक आइडेंटिफायर आपको शो कर रहा है कि आपका जो है फर्स्ट ऐप का जो है वो यूनिक है, आपके अभी तक ये यानी जब आप डिप्लॉय करेंगे तो ये किसी के साथ नहीं रहेगी, सिर्फ आपके ही अकॉर्डिंग रहेगी क्योंकि आइडेंटिफाई डिफरेंट है। फिर टाइप आ जाती है, यानी हमने C++ लेनी है, सी लेनी है, ऑब्जेक्टिव सी लेनी है, ये सब कुछ हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड डाटा, कोर फाउंडेशन, कोर सर्विसेज, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सी नहीं है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे फाउंडेशन को। फाउंडेशन को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्टिव सी की बेस है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं आपको फिर बता दूँ, कोर फाउंडेशन नहीं, सिर्फ फाउंडेशन, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना। इसको आप नेक्स्ट करेंगे, आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, जब आप ये सब कुछ सेट कर देंगे तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। आपके यानी उससे कुछ यानी लेना देना नहीं है कि क्या कैसे आपने, हाँ उसके बाद सेव कहाँ करना आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी सेव करें, लेकिन आपको डेस्कटॉप पे करें, डॉक्यूमेंट्स पे करें, डाउनलोड पे करें, लेकिन मैं जो हूँ डॉक्यूमेंट्स पे करूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ सेव किया है। तो मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगी तो वहाँ जाके मैं इसको सेव करूँगी। और उसके बाद आपने सोर्स कंट्रोल के आगे ग्रेड गेट रिपोजिटरी है जो सोर्स फाइल में चेंज करें, इसको अनचेक ही रखना है, इसको चेक नहीं करना, मेक श्योर कि आप इसको जो है चेक ना करें, इसको अनचेक रहने ताकि हमें इससे नुकसान करें, क्योंकि भाई सोर्स फाइल चेंज करेंगे सोर्स कोड से हमें भी कंसर्न नहीं है। उसके बाद आप जहाँ भी इसको क्रिएट करना चाहें क्रिएट करें, उसके बाद ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी आपको देखते कुछ समझ नहीं आ रही है क्या है।